झारखंड में एक नया हंगामा छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले से न्यूज 11 आगाह करता रहा कि अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और अब वो नजारा खुलकर सामने आ गया है। INDIE गठबंधन के खिलाफ झारखंड के मुसलमान गोलबंद होने लगे हैं। एक तरफ आज धनबाद में भी मुसलमानों ने घोर विरोध किया है इसका कि एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें दुमका से प्रत्याशी नलिन सोरेन की, तो जामताड़ा में मुस्लिम समुदाय ने नलिन सोरेन का घोर विरोध किया। नलिन सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगे, सीता सोरेन जिंदाबाद के नारे लगे। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बैठक में शामिल हुए धनबाद में। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कांग्रेस को चेतावनी तक दे डाली है। आलाकमान से राज्य में कम से कम एक मुस्लिम प्रत्याशी देने की मांग कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर, यह तस्वीर धनबाद और जामताड़ा की है। जामताड़ा में तो विधायक इरफान अंसारी और स्पीकर दोनों रविंद्रनाथ महतो दोनों मौजूद थे, उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध किया। और मुस्लिम समुदाय के विरोध का यह आलम हुआ कि नलिन सोरेन को थोड़ी देर के लिए लगा कि सभा उनके कंट्रोल से बाहर चल गई है। उनकी सभा में सीता सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मुस्लिमों का आरोप है कि एक भी मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी नहीं दिया गया, अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार उनके सामने, वोट बैंक पर सेंधमारी की जा रही है, वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए अल्पसंख्यकों को बरगला रहा है INDIE गठबंधन। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल से धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, धनबाद में आज कांग्रेस का की वहां प्रत्याशी है अनुपमा सिंह और INDIE गठबंधन का विरोध कर रहा है पूरा धनबाद। धनबाद के मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं आज एकजुट हो गए, गोलबंद हो गए, विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी भी मुसलमान नहीं दिया है। INDIE गठबंधन ने पूरे 14 के 14 लोकसभा क्षेत्रों में एक भी प्रत्याशी मुसलमान नहीं दिया, जबकि वोट बैंक को हड़पने के लिए, वोट बैंक पर कब्जे के लिए मुस्लिमों को अपना हितैषी बताते हैं, खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं, लेकिन जहां पर प्रत्याशी देने की बात हो, नेतृत्व करने की बात हो, वहां मुसलमानों को पीछे छोड़ देते हैं। अरुण, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं ये मामला तब उठा जब गोड्डा से जब फुरकान अंसारी के बदले दीपिका सिंह पांडे का जो टिकट कांग्रेस ने घोषणा की, उसके साथ ही खुद डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी ने मोर्चा संभाल लिया था और सोशल प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुले मंच पे उन्होंने इस बात का विरोध किया और इस बात को कहा कि चूंकि अकलियतों को जो 18% है मुसलमान, वो क्या सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वो उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो उसी समय से एक कह सकते हैं आप विरोध के स्वर जो है उभरने लगे थे, जिसका असर कल धनबाद में देखने को मिला। आज जैसा कि पता चल रहा है जामताड़ा में भी इसका नज़ारा देखने को मिला, जब नलिन सोरेन के सामने सीता सोरेन के जिंदाबाद के नारे लगे और मुसलमानों ने यहाँ तक कह दिया कि INDIE गठबंधन और कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की है। धनबाद में कल देर रात तक यहाँ के पूरे कह सकते हैं कोयलांचल के, धनबाद जिले के काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे और खुलकर इस बात का विरोध कर रहे थे कि चूंकि झारखंड में 14 की 14 सीट है और एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया है, तो वो उनमें नाराजगी थी और इसके लिए आला कमान से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेने और एक सीट कम से कम, 14 में से एक सीट कम से कम जो INDIE गठबंधन की है, INDIE गठबंधन की है, उसमें से एक सीट के कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट का को प्रत्याशी बनाने की मांग किए थे। कल जो दिन में जो अनुपमा सिंह का जो विरोध हुआ था कल देर शाम को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच, उसमें भी राजद के एक नेता ने यहाँ तक कह दिया था कि शमशेर आलम जो यहाँ स्थानीय है उनको कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, न कि अनुपमा सिंह को। तो आप समझ सकते हैं जो मुस्लिमों में एक तरह से नाराजगी INDIE गठबंधन के प्रति हो रही है कि 14 सीटों में से पूरी तरह पूरे झारखंड में उनकी उपेक्षा की जा रही है। जी बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर। लेकिन गोड्डा से फुरकान अंसारी का चढ़ा विवाद आज चलकर यहां तक पहुंचा है। बने रहिएगा अरुण हमारे साथ। राजेश हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं।
राजेश, भाजपा को माना जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के विरोध में है, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन अब INDIA की अगर बात करें तो हमेशा ये दावे करती है कि अल्पसंख्यकों की हितैषी है और अल्पसंख्यकों का कल्याण चाहती है। ऐसे में आज गोड्डा में नलिन सोरेन के सामने नलिन सोरेन मुर्दाबाद के नारे लग गए, JMA मुर्दाबाद के नारे लगे, जामताड़ा में नलिन सोरेन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे और सीता सोरेन जिंदाबाद के नारे लग गए। वहीं अगर बात करें धनबाद की तो धनबाद में भी मुस्लिम समुदाय एकजुट हो गया है, वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और आरोप है मुसलमानों का कि INDIA गठबंधन ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। राजेश, होता है कि हमारे यहाँ जो होता है कैंडिडेट देने की जो पैरामीटर्स हैं वो यह है कि विनेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे विनेबिलिटी तो सभी दलों में देखी जाती है, लेकिन जो इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं उनका विशेष ध्यान मुस्लिम समाज पर रहता है, उनके लिए वो बातें करते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का दावा करते हैं, तो निश्चित रूप से जो अपना कहलाता है उससे उम्मीद की ही जाती है। और यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या राजद हो, कोई भी ऐसे दल जो अपने आप को कथित रूप से सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज मानते हैं, तो उनसे उम्मीद तो मुस्लिम समाज को होनी ही चाहिए। और अगर नहीं उनकी भागीदारी मिलती है, 17-18% उनकी आबादी है और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं वो मानते हैं कि मुस्लिम समाज के हितरक्षक वो हैं, तो उन्हें तो कम से कम सीट तो देना ही चाहिए, कैंडिडेट देना ही चाहिए। निश्चित रूप से इसका तो विरोध हो ही रहा है, हमने देखा कि जैसा जामताड़ा में नलिन सोरेन का विरोध हो रहा है, जाहिर सी बात है वो JMM के कैंडिडेट हैं और JMM भी एक पूरे अधिकार के साथ कहता रहा है कि मुस्लिम समाज का वह एक कहीं न कहीं बड़ा हित साधक है और उसकी आवाज़ बनकर वह जहाँ कहीं भी हो, चाहे वह विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर आवाज़ बुलंद करता रहा है। तो उम्मीद तो की ही जा सकती है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है टिकट जैसा कि स्पष्ट है वहाँ पर, तो अब समाज के लोगों का अपना विश्लेषण होगा कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन BJP हमेशा से ये मानती रही है कि अगर कोई राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो कि BJP में कई ऐसे लोग हैं, कोई राज्यपाल हैं, तो कई सांसद भी हैं, कई चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की विचारधारा की बात करें तो वो मामला इतर चला जाता है, लेकिन अगर बात करें INDIA गठबंधन की तो कहीं ना कहीं इसी धार्मिक उन्माद को लेकर आरोप लगते रहे हैं भाजपा पर, धार्मिकता के आरोप लगते रहे हैं, धर्म की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं भाजपा पर। और ऐसे में अगर मुसलमान समुदाय जो 18% मुस्लिम है झारखंड में, अगर एकजुट हो जा रहे हैं, एक जगह एक ध्रुव पे जमा हो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको आश्वासन कहीं ना कहीं दिया गया, बावजूद इसके प्रत्याशी नहीं दिया गया, कहीं से विरोध अब सड़क पर उतर गया है और सड़क से विरोध पता नहीं कहां कितनी आगे तक बढ़ेगा, भाजपा के प्रत्याशी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, निश्चित तौर पर गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद अरुण आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।